बाड़मेर जिले की पंचायत समिति बालोत्रा ग्राम पंचायत असार के सरपंच श्रीमती लाल कंवर, जिनके प्रतिनिधि हुए पूर्व सरपंच गणपत सिंह से आरपीडी न्यूज टीम ने पंचायत की समस्याओं को लेकर खास मुलाकात की। मुलाकात के दौरान हुई वार्ता में समाज सेवी ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में पेयजल की मुख्य समस्या बनी हुई है, परंतु सरकार की जनता जल योजना से अब इस समस्या का समाधान भी जल्द ही किया जाएगा। तो आइए जानते हैं किशन सोलंकी के साथ खास मुलाकात में समाज सेवी गणपत सिंह के अपनी पंचायत के प्रति विचारों को। किशन सोलंकी, हम अभी पहुंचे हैं ग्राम पंचायत असाड़ा, जिसके नव निर्वाचित सरपंच है श्रीमती लाल कंवर और उनके जो प्रतिनिधि है गणपत सिंह जी, वो हमारे साथ है। उनसे बातचीत करेंगे कि जैसे अभी बात करते हैं इस कार्यकाल की, तो 2 साल होने जा रहे हैं पूरे, तो इसके अंदर इनसे यही जानेंगे कि उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा था और जनता ने अच्छे वोटों से उनकी लीड रखी थी और इस पद पे बिठाया है, तो उनसे यही जानेंगे कि जो ग्राम पंचायत की ऐसी क्या मेजर समस्या थी जिनको लेकर आप चुनाव मैदान में और जनता ने चुना आपको और इस पद पे हो, तो ऐसी क्या मुख्य समस्या है जिनका आप निवारण करोगे और करवाया है 2 साल में क्या क्या विकास करवाया है। तो सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सरपंच साहब, पहले तो आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए थोड़ा। सर, राजनीति में मैं लंबे समय तक तो नहीं रहा, बिल्कुल पेशे से मैं वकील हूँ जी, लेकिन एक बार मैं सरपंच का चुनाव लड़ा और सरपंच भी बन गया था जी जी। उसके बाद में गांव वालों की इच्छा थी हुकुम के यहाँ जाति विशेष का दबदबा था पहले, बिल्कुल बिल्कुल, और सभी जातियां ने मिल गए कि नहीं अपने ऐसे प्रतिनिधि को बनाए जो सब जातियों को साथ में लेके, बिल्कुल बिल्कुल। इस कारण से गांव के आग्रह पर मैंने मेरी मिसेज को चुनाव में खड़ा किया जी, और गांव के सहयोग से अच्छे मतों से वो विजयी रहे जी जी। तो सर, मतलब मेजर समस्या ऐसी क्या लगी ग्राम पंचायत की जिसका आप निवारण करवाना चाहते हैं और आपने 2 साल में विकास जो करवाया है? सर, यहाँ सबसे जो मेन समस्या है वो है पानी की। जी जी, किसी समय में इस एरिया में हुकुम डबल क्रॉप एरिया था, बिल्कुल कुओं में पानी खूब था, मीठा था, बिल्कुल, लेकिन लोणी नदी के जो पॉल्यूशन हुआ, बिल्कुल उस पॉल्यूशन की वजह से इस एरिया के जितने भी कुएं थे, बिल्कुल वो सब खराब हो गए, बिल्कुल, और पीने के लिए भी इस एरिया में पानी नहीं है। जी जी, लंबे समय तक सरकारों ने प्रयास किया लेकिन इस गाँव की जो पानी की समस्या थी, बिल्कुल उसको वो हल नहीं कर पाए जी। तो इसके लिए हमारी पहली मांग थी कि गांव में हम पानी की व्यवस्था करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, तो उसके लिए हमने प्रयास भी किए हो जी, और हमारा सौभाग्य समझिए आप जी कि सरकार ने जो जल जीवन मिशन योजना शुरू की, बिल्कुल बिल्कुल, उसके तहत ग्राम पंचायत असाड़ा में करीब 4 करोड़ के आसपास सरकार ने बजट भी स्वीकृत किया जी, और उसके तहत यहाँ काम भी शुरू हो चुका है, बिल्कुल बिल्कुल, और हर ढाणी तक पाइप लाइन भी सही जारी है, बिल्कुल बिल्कुल, और हमें उम्मीद है कि हमने जो जनता से वादे किए थे, बिल्कुल, कि हम पानी की व्यवस्था कराएंगे, बिल्कुल, तो उसके लिए गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे रही है, बिल्कुल, बिल्कुल, और काम भी शुरू हो गए हैं जी जी। तो आशा है कि बहुत 3-4 महीने में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी जी। बहुत ही अच्छा, जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि जैसे एक बात करते हैं चुनावी माहौल की, तो चुनाव जब आते हैं उस टाइम चाहे किसी प्रकार के जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरपंच पद पे हो, चाहे एक वार्ड पंच पे हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे प्रधान हो, किसी लेवल के चाहे विधायक के हो, तो उस टाइम क्या एक जनता से बहुत ही, जैसे अभी सरपंच साहब ने बात तो बताई कि जैसे हमने वादे किए थे लोगों से, जनता से वादे किए थे कि हम पेयजल की व्यवस्था करेंगे, रोडों की नाली निर्माण, जो भी समस्या है ग्राम पंचायत की उसको दूर करें, तो सरपंच साहब बिल्कुल अभी जो फरमा रहे थे वो सही था कि जनता से जो वादे किए हमारे उस पे लगभग पुरजोर कोशिश रहेगी कि उस पे खरा उतरे और पेयजल की व्यवस्था हो रही है बहुत ही बढ़िया, और जो पाइपलाइन द्वारा। तो सरपंच साहब जैसे बात करते हैं शिक्षा की, शिक्षा का स्तर अपनी ग्राम पंचायत का कैसा है और शिक्षा के प्रति आपके क्या रुझान रहेंगे, क्योंकि आजकल आप तो अब पढ़े लिखे हो, हर चीज आपको नॉलेज है, एक एडवोकेट हो आप, तो आजकल क्या है जो ग्राम पंचायतों में जो बालक बालिकाएं हैं उनके लिए कई जगह जैसे खेल मैदान की व्यवस्था नहीं होती है, तो वो किसी प्रकार से कोई वहां अगर कि खेलना कूदना किसी प्रकार की ट्रेनिंग करना, तो वहां
जगह के अभाव से और इन चीजों के जो मैदान के अभाव से नहीं कर पाते, तो वो लोग जहां भी है वहीं रह जाते हैं पढ़ाई लिखाई करके भी। और ये जो चीजें होती है, जो खेल मैदान होते हैं, उनमें खेलना कूदना हर चीज, बच्चा आगे से आगे डेवलपमेंट करता, आगे से आगे बढ़ता है, तो इसके लिए आपके क्या रुझान रहेंगे? सर, हम शिक्षा के क्षेत्र में अब हमें सौभाग्यशाली समझिए या भाग्यशाली समझिए, इस गांव में हम सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल है बिल्कुल, और उसके अलावा मिडिल स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, करीब 9 स्कूल हैं बिल्कुल बिल्कुल, और सब में विद्यार्थियों की भी संख्या अच्छी है जी। अभी राजस्थान सरकार ने हमारे यहाँ महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय भी प्रारंभ किया है बिल्कुल, जिसके लिए गांव की जागृति समझिए या गांव के लोगों का सहयोग समझिए बिल्कुल, गांव ने 8 कक्षा कक्ष तैयार करवा के जी, और बिल्डिंग को भी तैयार कर दिया है जी, और उसमें हम शौचालय और 2 बड़े हॉल कक्षा कक्ष बिल्कुल, ग्राम पंचायत ने अपने स्तर पर भी निर्माण करवाया है बिल्कुल, और काम चल रहा है हुक्म जी। आप सबकी दुआएं रही, आशीर्वाद रहा, तो स्कूल जल्दी ही शुरू हो जाएगी बिल्कुल, और उसके लिए सरकार ने करीब 14 अध्यापकों का स्टाफ भी यहाँ नियुक्त कर दिया है जी, तो हमारे लिए तो मेरे इस 2 साल के कार्यकाल में विद्या के क्षेत्र में ये सबसे बड़ी उपलब्धि मैं मानूंगा कि गांव के जो गरीब है, पिछड़े हैं जी, जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनको अंग्रेजी की जो शिक्षा थी उसका फायदा नहीं मिलता था बिल्कुल, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत आई है बिल्कुल सही, तो स्कूल स्टार्ट हो गई है हुकुम, और जल्दी एडमिशन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है बिल्कुल, तो नया सत्र है हुकुम, जो नई बिल्डिंग बनी है गांव की ओर से जी वहाँ शुरू होगा, उसके लिए मैं सबका आभार और धन्यवाद करूंगा हुकुम जी जी, कि ये हमें बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है हुकुम जी जी, पहली क्लास से लगाकर अभी 8वीं तक शुरू होगी हुकुम बिल्कुल, और उसके बाद में ये धीरे धीरे आगे बढ़ के सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल बनेगी बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, जैसे बात करते हैं अपने ग्राम पंचायत के विकास की, तो विकास के प्रति जैसे अभी नरेगा में अपन जानते हैं कि नरेगा में जैसे तालाब नाली निर्माण ये चल रहे हैं, तो नरेगा में सर जैसे मैं अपने जनप्रतिनिधियों से और भी मिला हूं, और राजस्थान पूरे की बात करते हैं तो पूरे में यही कंडीशन है, तो जैसे बात करते हैं नरेगा की, तो नरेगा के अंदर जो 60-40 करे सर, तो उसमें कई जो आपके साथी जो जनप्रतिनिधि है उनका मानना और उनके सुझाव भी यही है कि जैसे अगर पक्के कामों में अगर 40 का और कच्चे में 60 का है, तो अगर 60 का पक्के में और कच्चे में 40 का हो तो बहुत ही बढ़िया है ग्राम पंचायत के लिए। और दूसरी बात, जैसे नरेगा के अंदर जो नरेगा का जो बजट है वो एक लेबर के साथ साथ अगर 50% तक ग्राम पंचायत में माल मटेरियल का पैसा आता हो तो ग्राम पंचायतों में विकास की लहर कुछ अलग हटके दिखेगी, तो इसमें आपके क्या सुझाव? सर, मेरा इसमें ये निवेदन हुकुम की गवर्नमेंट ने जो रोजगार गारंटी की स्कीम बनाई बिल्कुल बिल्कुल, और सबको रोजगार देने के लिए ये जो व्यवस्था की बिल्कुल, लेकिन कुछ स्कीम में हुकुम है जो ये सिर्फ 3-स्टार होटल या ऐसी रूम के लिए वहां बैठकर इन्होंने बनाई है बिल्कुल, तो उसमें कमियां तो हुकुम खूब है बिल्कुल। अब जैसे हमारे यहाँ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि पानी की कमी थी बिल्कुल, जल जीवन योजना के तहत काम हो रहा है बिल्कुल, इसके अलावा भी हमने प्रयास करके जिला परिषद से जो सीओ साहब है बिल्कुल उनसे निवेदन करके, तो उन्होंने हुकुम 2 साल में हमें 200 टाके दिए बिल्कुल बिल्कुल, तो लोगों के पानी की कम से कम स्टोरेज हो, बरसात का पानी तो बिल्कुल सही हो, तो उसमें हुकुम क्या है कि लेबर के पैसे तो ये टाइमली दे देते हैं जी जी, लेकिन जो मेटल के पैसे है हुकुम साल साल भर तक नहीं आते हैं बिल्कुल बिल्कुल, तो जो ठेकेदारी व्यवस्था है हुकुम, जो ठेकेदार की भी इतनी हैसियत नहीं होती कि वो करोड़ों रुपए अपने जेब से लगा सके जी, और सरपंच भी उसमें सक्षम नहीं होते हैं सर बिल्कुल बिल्कुल, तो इससे मेरा निवेदन है साहब की जो मेटल के पैसे हैं गवर्नमेंट को तत्काल जी, जो लेबर के पैसे ये इशू करते हैं उसके साथ इशू करने चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, तो जो विकास का जो विकास की गंगा बह रही है बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हमें अच्छा सहयोग मिलेगा बिल्कुल, और सरकार का भी नाम होगा जी 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 सर। तो सर बात करते हैं अपन एक, जैसे सरपंच साहब आप पहले सरपंच पद पे रह चुके हैं और इसी ग्राम पंचायत से, तो जैसे पहले की राजनीति और आज की राजनीति में आपको क्या अंतर लग रहा है? और जैसे अभी कोरोना जैसी महामारी, इधर आप सरपंच बने बनते ही कोरोना जैसा टपक गया, तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में बहुत ही बड़ी एक भयंकर बीमारी आई है, तो इसकी वजह से ग्राम पंचायतों विकास के कई जगह विकास में बाधाएं आई है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए, जैसे कोरोना जैसी महामारी में आपकी ग्राम पंचायत की क्या कंडीशन है?
सर मैं कोरोना महामारी थी ये हमारे लिए बहुत दुखद समय था जी, लेकिन विकास के मामले में सड़ा ग्राम पंचायत में कोरोना काल में भी हुक्म जो काम थे बिल्कुल वो बढ़े हैं हुक्म, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि कोरोना की वजह से सड़ा ग्राम पंचायत में विकास के काम रुके। जी 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 शायद तो ग्रेवल रोड है मरी हुकुम बिल्कुल, एक दामबीकरण रोड बनी हुकुम जो सिवाना फांटा से सड़क तक आई हुई तो उससे लोगों को ही फायदा हुआ, हुकुम के जो मेगा हाईवे से लोगों को जाना पड़ता था बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ हुकुम कई एक्सीडेंट हुए इस गांव के, कई युवाओं ने अपनी जान दे दी एक्सीडेंट की वजह से, तो ये जो रोड बन गई हुकुम तो वो कोरोना काल में बनी हुई जी जी, और जितनी ग्रेवल रोड की हुकुम तो उसका भी निर्माण पूर्ण हो गया करीब करीब, तो पशुपालकों को किसानों को जो अपनी फसल आराम से बेच सकते हैं, दूध देवगिरह है, धोबियों का छोटा मोटा धंधा है जी, वो कर सकते हैं हुकुम। और इसके अलावा हुकुम जो टापों का निर्माण हुआ है बिल्कुल, गांव के अंदर हुकुम श्यामा प्रसाद मुखर्जी योजना के तहत जी सीसी रोड के निर्माण हुए हुकुम जी, ये कोरोना काल में हुए बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके अलावा जो नालियां थी हुकुम बिल्कुल उनका काम भी हुआ है जी, तो मैं तो हुकुम कहूंगा कि कोरोना काल पब्लिक जरूर दुखी हुई बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट ने विकास के कार्यों में गति बनाए रखी हुई बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। तो जैसे सरपंच साहब कई अपनी बात करते हैं क्योंकि आप यहाँ एडवोकेट भी रह चुके हैं और हो, तो इसके अंदर एक बात करें अपन मारवाड़ क्षेत्र की, तो इसके अंदर कई प्रकार की कुप्रथाएं चलती आज भी, जैसे बाल विवाह, दहेज प्रथा, मृत्यु भोज की प्रथाएं, अगर आप अपनी इस ग्राम पंचायत के किसी रेमडी विलेज गांव में किसी वार्ड में ऐसी कोई घटना होती है तो आप उसमें आपका क्या प्रावधान रहेगा? सर हमने इसके लिए जो बाल विवाह है उसके लिए तो हमने काफी प्रयास किए बिल्कुल, बिल्कुल, और लोगों में जागृति भी आई हुई जी, पहले छोटे छोटे बच्चों को थाली में बिठा कर उनकी शादियां कर देते थे बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो अब खत्म हो गया वो जी, और सबसे बड़ा योगदान है शिक्षा का हुक्म बिल्कुल, बच्चियां खुद पढ़ने लगी है बिल्कुल, बिल्कुल, तो वो भी हुक्म छोटी उम्र में शादी करने से इनकार कर दी थी बिल्कुल, या जहां जो सहायता मिल गई है वहां वो इन्फॉर्म करती है बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो मृत्यु बोझ है हुक्म जी जी वो नहीं रुक रहा है, मैं स्पष्ट कहता हूँ बिल्कुल सही लोग करते हैं हुक्म, अगर उनको कहें तो सरपंच की कोई हैसियत नहीं होती है बिल्कुल बिल्कुल, तो वो फिर सबसे दुश्मनी तो ले नहीं सकता, फिर भी प्रयास होता है कि नहीं करे समझाइश बिल्कुल होती है, हुकुम नहीं करे आने वाली पीढ़ी के लिए थोड़ी बहुत जमीन है उनको आप बचा के रखो बिल्कुल बिल्कुल, क्या होता है हुकुम के जैसा घर होता है वैसा होता है, तो जमीन है लोगों के पास में कम बिल्कुल, और अगर मृत्यु बोझ नहीं करते हैं तो समाज में कई तरह के उनको ओल्ड बाप भी मिलता है, मैंने भी मिलते हैं, तो लोग जमीन बेच के करते हैं तो आखिर में आदमी भूमिहीन तक हो जाता है बिल्कुल बिल्कुल, प्रयास तो ही है हुकुम के ये कुप्रथा है इसको मिटाइए आप जी जी, उसके लिए अगर आपको खर्चा करना है तो आप स्कूल में कमरा बना दीजिए, उपयोग बना दीजिए आप बिल्कुल, या गांव के विकास में सहयोग करिए, गरीब बच्चों की पढ़ाई में पैसे लगाइए बिल्कुल सही, देखो हुकुम जो एजुकेशन बढ़ेगी तो धीरे धीरे प्रथा खत्म होगी जी जी, लेकिन सरकारी प्रयासों से ये हुकुम व्यवस्थाएं बंद होनी मुश्किल है मुश्किल, सही बात है बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कि यह सरपंच साहब ने जो बताया है कि भाई जो ये कुप्रथाएं हैं जैसे बाल विवाह की है तो इनको लगभग लगभग आजकल क्योंकि बालक बालिकाएं सब एजुकेशन से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत ही कम हो गया है, लेकिन जो जो अपने मृत्यु भोज की प्रथा बताई तो इसमें बिल्कुल सरपंच साहब की सही बात है क्योंकि लोग इस चीज को पुरानी परिपाटी के हिसाब से चलते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे आज मान लो 70-75% तक बहुत ही कम हो गया है, कहीं कहीं है जो इस प्रथा को लेकर चल रहे हैं, सरपंच साहब का यही मानना है अगर मेरी ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की ऐसी कोई मान लो कोई ऐसे होता है कुछ तो मैं बिल्कुल उस पर रोकथाम करूंगा और समझाइश बुझाइश से उनसे जहां भी उनको रोकना पड़ेगा रोकेंगे। तो सरपंच साहब जैसे अभी एक हमारे बात करें देश की तो इसके अंदर एक बहुत ही पावन पर्व है अपना बहुत ही बड़ा कि एक होली का त्यौहार आता है, होली के त्यौहार पे आप अपने ग्राम पंचायत और क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? सर मैं आपके माध्यम से एक नई बात करना चाहूंगा आपको जी, हमने एक प्रोग्राम रखा है हुकुम अभी हमारे यहाँ होली के तीसरे दिन हुकुम यहाँ एक फूल गेट की व्यवस्था होती है बिल्कुल बिल्कुल, तो ये गेट नृत्य है पुरानी परंपरा है जी जी जी, ये एक अच्छा अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम है जी, तो ग्राम पंचायत ने अभी तय किया है हुकुम के गांव में जितनी भी गेरे खेलती है बिल्कुल उनको एक जगह प्रोग्राम करके उनको इनाम देने की व्यवस्था करें जी, ताकि ये जो व्यवस्था है बिल्कुल इसके प्रति लोगों का रुझान बढ़े बिल्कुल, और ये जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है बिल्कुल
घोड़े में और तो क्या है हुकुम, कुछ राह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ ये राह है हमारे गांव में जी। तो बालूतरा पंचायत समिति में सिर्फ एक तीसरे दिन सारा गांव में गेर का प्रोग्राम होता है वो जी जी। उसके बाद में सप्तमी का मेला लगता है कनाना में। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी कहीं होता नहीं है जी जी। तो हमारी है इच्छा भी है, लोगों का सबका विचार है बिल्कुल कि इनको अपन इनाम व्यवस्था करें गांव की तरफ से जी। और एक जनता करके ये प्रोग्राम रखें तो आने वाली पीढ़ी में भी थोड़ी संदेश जाएगा, जागरूकता बढ़ेगी और ये प्रोग्राम है जो जारी रहेंगे जी जी। बहुत ही अच्छा। तो ये थे हमारी खास मुलाकात जो प्रतिनिधि हैं गणपत सिंह जी उनसे। तो आरपीडी न्यूज के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।